स्टूडेंट्स, कोलिजन टॉपिक स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे पढ़ चुके थे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला पढ़ा गया था, उस पर हमने क्वेश्चन भी कराया था। उसी बेस पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा गया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज। दो आइडेंटिकल बॉडीज के बीच जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उसमें हमने बताया था कि उनके वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, याद आ रहा है? तो इस पर हमने क्वेश्चन भी खूब ढेर सारा कराया था, और कई क्वेश्चन ऐसे थे असाइनमेंट में जो एक ही टाइप के थे, उसका हमने बता दिया था कि ये आंसर होगा। उसको क्वेश्चन तुम देख लेना, वो सब समझ में आ जाएगा। जहां भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा दो आइडेंटिकल बॉडीज के बीच, तो आफ्टर कोलिजन उनके वेलोसिटी फाइंड नहीं करना, हमने एक बार फाइंड कर दिया था, उनके वेलोसिटीज डायरेक्ट बेटा इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो नया कांसेप्ट पढ़ना है, डायरेक्ट इंपैक्ट बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस एंड ए बॉल। एक बॉल और हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस के बीच डायरेक्ट इंपैक्ट, कहोगे ये क्या है? इसमें न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला अप्लाई करके ही सारा फार्मूला बनेगा, और डायरेक्ट फार्मूले बेस इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये फर्श है, रिजिड फर्श है, हॉरिजॉन्टल है, उस पर तुम हाथ में एक बॉल ले लो, उस बॉल को ऐसे तुम गिरा दो, तो वो बॉल तुम देखते हो कि ऊपर उठता होगा, ठीक है? जैसे अगर 10 मीटर के हाइट से गिरा हो तो 4 मीटर ऊपर उठेगा, 5 मीटर, 6 मीटर ऊपर उठेगा, जिसको बोलते हैं रिबाउंस। वो बॉल क्या होगा? रिबाउंस होगा। जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया तो 4 मीटर पर सेकंड से मान लो ऊपर उठ रहा है। तो यहां दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, एक बॉल को कहेगा इतने हाइट से गिरा दिया, बताओ उसके कितने रिबाउंस हाइट होगी, कितनी रिबाउंस वेलोसिटी होगी, कितना ऊपर उठेगा, किस वेलोसिटी से ऊपर उठेगा। तो इस यहां पर रिबाउंस वेलोसिटी और रिबाउंस हाइट फाइंड किया जाता है। पहली बार टकरा के जब ऊपर उठेगा तो वो होता है फर्स्ट रिबाउंस हाइट एंड फर्स्ट रिबाउंस वेलोसिटी। इस बार से फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, सेकंड रिबाउंस वेलोसिटी, सेकंड रिबाउंस हाइट, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, थर्ड रिबाउंस वेलोसिटी, थर्ड रिबाउंस हाइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो पहला तो फार्मूला पहले रिबाउंस वेलोसिटी और पहले रिबाउंस हाइट के लिए होता है, जिसमें फर्स्ट ना कहकर सीधे रिबाउंस वेलोसिटी, रिबाउंस हाइट कह देता है। अब दूसरा तीसरा पूछेगा तो फिर नाम लेगा कि सेकंड वाला बताओ, नहीं थर्ड वाला बताओ। ऐसे वो बाल को तुम गिरा दो तो तुम देखोगे एक अनिश्चित बार ऐसे ऊपर नीचे टकरा के फिर वो रेस्ट में आ जाता है, इनफाइनाइट बार उसका ऐसे ऐसे कोलिजन होता है। तो समझ गए हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, वही रिबाउंस वेलोसिटी और रिबाउंस हाइट। अभी फार्मूला हम याद करा दे रहे हैं, फार्मूला कैसे बनता है उसको भी बता दे रहे हैं, तो फार्मूला याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि रिबाउंस वेलोसिटी और रिबाउंस हाइट का क्या फार्मूला होता है। इसमें खास बात यह है कि अगर तुम ऐसे बॉडी को, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को तुमने अगर 10 मीटर के हाइट से गिरा दिया, तो उसमें चूंकि एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए पुनः उठ के पुनः 10 मीटर ऊपर आ जाएगा। और अगर ऐसे बॉडी को नीचे गिरा दिया जो परफेक्टली इन इलास्टिक हो, जैसे गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल तुम नीचे गिरा दो तो क्या ऊपर उठेगा क्या? वो तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में ई का वैल्यू दे देता है, ई का वैल्यू 0.4, 0.5, 0.6 दे देगा, अब कहेगा अब बताओ रिबाउंस वेलोसिटी और रिबाउंस हाइट कितनी है। तो किसी बॉडी को ऐसे गिरा करके, किसी बॉडी को ऐसे गिरा दो, यू बराबर जीरो से रिलीज कर दो, तो यहाँ टकराएगा वी यू वेलोसिटी से, और उसके बाद से क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, ऐसे तब तक ऊपर उठेगा जब तक इसके फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो यही इसकी रिबाउंस हाइट एच डैश होता है, रिबाउंस हाइट। क्यों? क्योंकि कितने हाइट से इसको तुमने गिराया, एच हाइट से गिराया, और ये U से टकराया तो V से ऊपर उठा। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, E है। अभी सही से हम लिखाते हैं, पहले बस याद करवा रहे हैं। तो देख रहे हो एच हाइट से गिराया, एच हाइट एच डैश ऊपर उठा, V U से टकराया, V ऊपर, तो यही है रिबाउंस वेलोसिटी, रिबाउंस हाइट। तो एकदम आसान होता है, देखो रिबाउंस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में, देखो स्ट्राइकिंग जिस वेलोसिटी से टकराएगा बस उसमें तुम ई से मल्टीप्लाई कर दो, जिस वेलोसिटी से टकराएगा ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस होने वाली वेलोसिटी आ जाएगा। और जब हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो देखना यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंडिकेट करेगा कि बॉडी रिबाउंस हो रहा है, वापस हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो इसको ई इंटू यू कह दो, रिबाउंस हाइट चाहिए एच डैश, तो जितने हाइट से बॉडी को गिराया एच में ई से नहीं बल्कि ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, किससे, ई स्क्वायर से। देखो
जितने हाइट से गिरा है उसमें ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो रिबाउंस हाइट आ जाता है, जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है उसमें ई से मल्टीप्लाई कर दो रिबाउंस वेलोसिटी आ जाता है। एकदम आसान होता है। तो कभी कभी क्या करता है कि कितने हाइट से गिराया और कितना हाइट ऊपर उठा, एच और एच डैश दोनों दे के ई का वैल्यू पूछ देता है। तो देखो यहां से ई का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा रूट ओवर एच डैश अपान एस, तो एच डैश और एच दे करके भी ई का वैल्यू पूछता है। तो है ना आसान फॉर्मूला एकदम। बोलो रिबाउंस वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू यू, रिबाउंस हाइट एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच। सिंपल सा फॉर्मूला, एक में ई आता है और एक में ई स्क्वायर आता है। अब ई का वैल्यू वन हो जाए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो एच डैश एस के बराबर होगा। ई का वैल्यू वन हो जाए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस होगा। एक लाइन में फॉर्मूला बन जाता है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले से, एक लाइन में। अब जैसे ये एक बॉल है, रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया, इसे गिरा दिया, फेंका नहीं जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है, और यहां ग्राउंड है, यह ग्राउंड, यह बॉडी आके टकराया, टकराने के वेलोसिटी को यू कहा जाता है, और बाल को कितने हाइट से गिराया, एच हाइट से गिराया, बाल को एच हाइट से गिराया। अब यह टकराया और टकरा के यहीं से वापस हुआ, लेकिन यहां तो हम डायग्राम दिखा नहीं सकते, उसको अलग से यहां दिखाया जाता है, देख लो यहीं ना दिखा के यहां दिखाया जाता है, जबकि ये यहीं से वापस होगा, इसलिए यहां पर हम दिखा रहे हैं रिबाउंस। ये अब रिबाउंस हो रहा है, रिबाउंस हो रहा है, ये रिबाउंस कौन सा रिबाउंस है, दूसरा तीसरा कि चौथा कि पहला, फर्स्ट रिबाउंस है। और ये तब तक ऊपर आता है जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी पुनः जीरो न हो जाए। तो रिबाउंस वेलोसिटी को वी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है, पुनः नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, चलो बाद की बात है। और ये इसका रिबाउंस हाइट एच डैश होता है, ठीक है बेटा। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोलिजन का क्या है, ई है, जनरल कॉन्सेप्ट। ई का वैल्यू वन हो जाएगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये इन इलास्टिक हो जाएगा, और क्या। यह है रिबाउंस हो रहा है तो एच डैश का वैल्यू आएगा ई स्क्वायर एच, और वी का वैल्यू आएगा ई इंटू यू। फॉर्मूला एकदम आसान, पहले फॉर्मूला रटवा दिए, ठीक है। जिसमें देखो दो बॉडीज का कोलिजन हो रहा है, एक बॉल का कोलिजन हो रहा है, ये बॉल है रेस्ट में है, और एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस। देखो ये हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस, इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, एकदम रिजिड है, ऐसा नहीं है कि ये बॉल टकराया ये सरफेस नीचे धस गया, ऐसा नहीं है, एकदम रिजिड है। अरे जो तुम्हारा घर बना है उसमें फर्श है, उसमें तुम बॉल गिरा के देखो ना, एक हाथ में रबड़ का बॉल ले लो, प्लास्टिक का बॉल ले लो, ऐसे नीचे गिराओ, तुम देखोगे वो रिबाउंस होगा, उतना जितना हाइट से गिराओगे उतना ऊपर नहीं उठेगा, थोड़ा कम ही ऊपर उठेगा। लेकिन हाथी के दांत के मटेरियल का बना हुआ एक तुम बॉल अगर गिरा दो तो जितने हाइट से गिराओगे लगभग उतना ही ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वह परफेक्टली इलास्टिक होता है। और गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल नीचे गिरा दो तो वह चिपक जाएगा, ऊपर उठ भी नहीं करेगा, ठीक बेटा। तो अप्लाई न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो। जब इसको अप्लाई करोगे तो दो बॉडीज के लिए अप्लाई करना होगा, एक बॉल के लिए और एक रिजिड सरफेस के लिए। रिजिड सरफेस की विशेषता क्या है कि कोलिजन के पहले भी ये रेस्ट में है रिजिड सरफेस, और कोलिजन के बाद भी रेस्ट में रहेगा, यानी U2 और V2 ये दोनों जीरो होंगे, पहले भी रेस्ट में है बाद में, वेलोसिटी किसकी बनेगी, बॉल की। तो क्या है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बताओ, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस E, U1 माइनस U2।
देखो v1 और u1 ये बॉल के लिए मान लो, तो v2 और u2 ये सरफेस के लिए हो जाएगा। सरफेस पहले भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में है, इसलिए v2 और u2 दोनों जीरो हो जाएंगे। अच्छा, बॉल की बाद में वेलोसिटी देखो, टकराने की वेलोसिटी u है, बाद वाले वेलोसिटी v है, तो यहां v लिख देंगे बॉल के वेलोसिटी, और रिजिड सरफेस टकराने के बाद भी रेस्ट में है, जनरल कांसेप्ट में ई चलेगा। u1 बॉल की वेलोसिटी देखो u है, u से टकराया, और रिजिड सरफेस पहले किस में है, रेस्ट में है। ओ डियर, देखो रिबाउंस वेलोसिटी आ गया -e(u). देखो माइनस इंडिकेट कर रहा है रिबाउंस, मतलब टकराया u से तो वापस होगा v से, और देखो नेगेटिव है, मतलब वापस होने की वेलोसिटी टकराने वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है। यह आ गया रिबाउंस वेलोसिटी ऑफ बॉल, कौन सा रिबाउंस, फर्स्ट रिबाउंस वेलोसिटी है ये, पहली बार टकरा के ऊपर उठ रहा है वो वाली वेलोसिटी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो e इंटू यू लिख दो, माइनस छोड़ दो, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो e = 1 होगा, तो ऐसे में वापस होने वाले वेलोसिटी टकराने वाले वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो e = 0 होगा, ऐसे में वापस होने वाले वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा, बॉडी वापस हो भी नहीं करेगा। आए समझ में? अब आओ देखते हैं रिबाउंस हाइट h डैश। तो यहां पे लगा दो काइनेमेटिक इक्वेशन, ऐसे बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है इस पे, तो यहां पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा करके हम h डैश फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से आ गया। देखो ना, रिबाउंस हाइट फाइंड करना है तो यहां लगा तो काइनेमेटिक इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v² = u² - 2gx, तो v² यानी v' फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर -2g h डैश, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, मैक्सिमम हाइट h डैश पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हो जाएगा v² - 2g h डैश, दैट इज v² = 2g h डैश, और v का वैल्यू आया था e(u), तो ये आ गया e² (u² = 2g h डैश, या गया e² और u क्या है, ये वाली वेलोसिटी है टकराने वाली, और h हाइट से बॉडी को गिराए हो, h हाइट से बॉडी को गिराए हो तो टकराने की वेलोसिटी होगा √2gx, भाई किसी बॉडी को ग्राउंड पे h हाइट से गिराते हो तो ग्राउंड पे बॉडी किस वेलोसिटी से टकराता है, √2gx, तो u² को लिख दो √2gx, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है 2gh = 2g h डैश, और डियर 2g से 2g कट गया, और h डैश देखो h डैश रिबाउंस हाइट = आ गया e² * जितने हाइट से बॉडी को गिराए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला एकदम, देख लो h डैश = e² h, तो रिबाउंस वेलोसिटी में e आता है, रिबाउंस हाइट में e² आता है, यह है रिबाउंस हाइट, दैट इज फर्स्ट रिबाउंस हाइट, पहली बार टकराए के इतना ऊपर उठता है कोई बॉडी, e² से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसलिए जनरली h डैश का वैल्यू h से कम होता है। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तब तो h डैश h के बराबर हो जाएगा, तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू वन,
ऐसे में एच डैश एच के बराबर आ गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो इज इक्वल टू जीरो, ऐसे में एच डैश जीरो आ जाएगा, वो बॉडी उसमें चिपक जाएगा, जैसे गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल, गीली मिट्टी का बना हुआ बॉल तुम नीचे गिरा दो तो वो क्यों ऊपर उठेगा, वो तो नीचे चिपक जाएगा, वही है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पूरी एनर्जी लॉस हो जाता है बॉडी का, ठीक है। एंड एच डैश और एच दे करके ई पूछ सकता है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इज इक्वल टू रूट ओवर एच डैश अपॉन एच, क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एच डैश और एच से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब आओ थोड़ा सा असाइनमेंट में देखो, इस पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेकंड लेवल का 59, 60, 61, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल का क्वेश्चन 59। इफ ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट 16 मीटर, देखो 16 मीटर के हाइट से एक बॉडी को गिरा दिया, स्पष्ट कह रहा है कि बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट 16 मीटर, 16 मीटर के हाइट से इसे बॉडी को छोड़ दिया, ऑन द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड अप टू ए हाइट 4 मीटर, देन फाइंड ई, तो बॉडी जो रिबाउंड हो रहा है 4 मीटर रिबाउंड हो रहा है, ये रिबाउंस है, रिबाउंस हाइट, तो कह रहा है ई का वैल्यू बताओ, कितना आसान, फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं 0.6, नेक्स्ट दिया है 0.5, इस वजह से दिया है 0.4, इस बार से 0.3, देख रहे हो, तो E बराबर देखो इज इक्वल टू, अभी बताए थे यहां पर रूट ओवर एच डैश अपॉन एच, एच डैश का वैल्यू है 4 अपॉन 16 1 अपॉन 4, इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, मतलब 0.5, ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच लाइक करता भी है, देखो एच डैश और एच दे करके ई का वैल्यू पूछा है, रूट ओवर एच डैश अपॉन एच, एच है जितने हाइट से बॉडी को गिराया और एच डैश है रिबाउंस हाइट। 60 नंबर क्वेश्चन, बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस, क्वेश्चन आया समर में, ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस फ्रॉम हाइट 10 मीटर, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी को 10 मीटर के हाइट से एक रिजिड सरफेस पे बॉडी को गिरा दिया, ई के वैल्यू 1/2 दे दिए, देखो ई का वैल्यू 1/2 है, देन रिबाउंस हाइट पूछ रहा है, रिबाउंस हाइट जब पूछेगा तो पहला रिबाउंस हाइट ही निकालना है, देखो एच डैश पूछ रहे हैं, खुद से सॉल्व कर लो, आसान है, फॉर्मूले बेस्ड है, जितना फॉर्मूला मैंने बताया सब पे न्यूमेरिकल दिया है, देखो 5 मीटर 4 मीटर 2.5 मीटर और 2 मीटर, तो सॉल्व कर लो, एच डैश ई स्क्वायर एच, ई का वैल्यू चूंकि 1/2 है इसका स्क्वायर कर देंगे, एच का वैल्यू 10 मीटर है, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4, यानी 2.5 मीटर,
2.5 मीटर रिबाउंस होगा। तो क्यों 1/4 रिबाउंस हो रहा है? क्योंकि e का वैल्यू 1/2 है ना, देखो ना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन e दिया है। आओ क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस एंड बॉल स्ट्राइक ऑन द सरफेस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस पर एक बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया तो बॉल रिजिड सरफेस पर टकरा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, टकराने के वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई का वैल्यू दिए हैं 1/4। तो पूछ रहे हैं कि रिबाउंस वेलोसिटी बताओ, रीबाउंस वेलोसिटी पूछ रहे हैं, खुद से सॉल्व कर लो बेटा। 5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 1.25 मीटर पर सेकेंड और 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो याद आ रहा है फॉर्मूला रिबाउंस वेलोसिटी का, v का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर e टाइम्स आप टकराने की वेलोसिटी, e का वैल्यू 1/4, टकराने की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिबाउंस होगा बॉडी कितने से, 2.5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी बेटा रिबाउंस होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड रिबाउंस होगा। तो रिबाउंस वेलोसिटी में eu चलता है और रिबाउंस हाइट में ई स्क्वायर चलता है, ठीक है। अब इसमें एक कांसेप्ट और बचेगा, एनी रिबाउंस वेलोसिटी और एनी रिबाउंस हाइट, दूसरा तीसरा चौथा रिबाउंस वेलोसिटी रिबाउंस हाइट पूछे तभी भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम वही कांसेप्ट बताने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट से अभी सॉल्व कराएंगे, उसके बाद से एनी रिबाउंस हाइट और एनी रिबाउंस वेलोसिटी हम लोग पढ़ लेंगे, दूसरा रिबाउंस वेलोसिटी, थर्ड रिबाउंस वेलोसिटी, फोर्थ रिबाउंस वेलोसिटी, सेकंड रिबाउंस हाइट, थर्ड रिबाउंस हाइट, कोई भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, असाइनमेंट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से तब स्टार्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बचा है, सेंटर ऑफ मास दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों एक ही पॉइंट है, फिर उसके बाद से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।